गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं वापस दिल्ली पहुंच चुका हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ही होंगे। दिल्ली पहुंचते ही मैंने जल्दी से होटल में चेक इन कर लिया। इस होटल का टैरिफ है 2,000 रुपये इंक्लूसिव ऑफ ब्रेकफास्ट। आज सिर्फ दिन दिन का ही स्टे है, रात को तो मुझे ट्रेन पकड़ना है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, इसीलिए मैंने पहाड़गंज में ही होटल लिया ताकि मुझे स्टेशन जाने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आज सब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, फटाफट नहा धो करके थोड़ा रेस्ट करके ब्रेकफास्ट करके निकलना पड़ेगा। तो ये है इस होटल का बाथरूम, काफ़ी साफ़ सुथरा है। होटल का नाम है गोल्ड रीजेंसी और ये पहाड़गंज मेन मार्केट में ही है। थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे दोबारा। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए मैं होटल से निकल पड़ा हूँ और इस वक्त मैं दिल्ली का लक्ष्मी नारायण मंदिर में हूँ। ये मंदिर बिरला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसको बनवाया था जुगल किशोर बिरला ने। उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1933 में और कंप्लीट हुआ 1939 में। ये दिल्ली में बनाया गया सबसे पहला मंदिर था और इसे बनाया गया है 7.5 एकड़ ज़मीन के ऊपर में। और इस मंदिर के बाद हमारे देश के कई शहरों में और भी सारे बिरला मंदिर बनाए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है राष्ट्रपति भवन, मगर इस इलाके में हम ज़रा ठीक से नहीं देख पा रहे हैं कुछ, क्योंकि इधर आपको जैसे पता होगा सेंट्रल विस्टा कंस्ट्रक्शन हो रहा है और एंट्री बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है। बहरहाल थोड़ा बहुत हमें दिख रहा है तो मैं आपको वही दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मेरा नेक्स्ट स्टॉपेज है और ये है इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूज़ियम, जो कि इंदिरा गांधी जी का पहले रेसिडेंस हुआ करता था। इसे अब एक म्यूज़ियम में तब्दील किया गया है। इन कमरों के सामने शीशे लगे हुए हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं उनका बेडरूम, स्टडी वगैरह। ये कुछ तस्वीरें रखे हुए हैं, उनके पर्सनल सामान रखे हुए हैं। ये उनका सिटिंग रूम था, डाइनिंग रूम, बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। उनका फ़ोटो रविंद्रनाथ टैगोर के साथ में, ऐसे बहुत ढेर सारे फ़ोटो रखे हुए हैं इधर में। दूसरे सामान के साथ में इधर बहुत सारे किताब दिख रहे हैं। देखिए कितने सारे किताब, ऑलमोस्ट एक लाइब्रेरी जैसा है। ये साड़ी पहनी हुई थी जब उनका असैसिनेशन हुआ था। धब्बे दिख रहे हैं, हो सकता है खून के धब्बे हो, पता नहीं मुझे। इधर राजीव गांधी जी के कुछ पर्सनल सामान रखे हुए हैं, टूल्स है, कुछ टोपी है उनका, पायलट्स कैप, ये कंप्यूटर रखा हुआ है और ये कपड़े वो पहने हुए थे जब उनका असैसिनेशन हुआ था। और ये जूते भी वो पहने हुए थे उसी टाइम पे। ये वही जगह है जहाँ पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गोली मारी गई थी, ये शीशे से मार्क किया हुआ वो स्पॉट। इधर बहुत सारे फूल और फूल के गमले लगे हुए हैं और किस्म किस्म के पेड़ भी लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर लॉन है इधर और ये लॉन भी बहुत अच्छा मेंटेन कर रखे हैं।
तो चलिए चलते हैं, और इधर से हम जाएंगे कुतुब मीनार। इंदिरा गांधी म्यूज़ियम के बाहर मुझे यह बस मिला जो कि हमारे स्टेट से आया हुआ है, बहुत दूर से आया है, मुर्शिदाबाद से। पता नहीं लोग इन बसों में कैसे इतना दूर का ट्रैवल करते हैं, और बस बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है। अब हम पहुंच गए हैं दिल्ली का एक बहुत ही मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन जो कि है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को बनाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि बाद में चल के दिल्ली का सुल्तान बन गए थे, और उनके बाद काम आगे बढ़ाया था इल्तुतमिश ने, और फाइनली इसका काम कंप्लीट हुआ था फिरोज़ शाह तुगलक के हाथों। कुतुब मीनार के अलावा इधर ढेर सारे और भी मॉन्यूमेंट्स हैं, और एक बहुत ही सुंदर सा लॉन भी है। बहुत ही सुंदर कारीगरी है, और ये बहुत ही बड़ा जगह में बना हुआ है, इसे देखने में टाइम लगता है, मगर मेरे पास तो आपको पता है आज टाइम की कमी है, तो अब फटाफट इधर से निकलते हैं और चलते हैं लोटस टेंपल के लिए। हम पहुंच गए हैं लोटस टेंपल, और ये लोटस टेंपल है नेहरू प्लेस के पास। ये एक बाहाई मंदिर है जो कि बन के तैयार हुआ था 1986 में। मंदिर का जो मेन गेट है वो इस वक्त खुला हुआ है, लेकिन मंदिर के अंदर का गेट बंद है कोविड की वजह से, तो हम अंदर नहीं जा सकते, और इसीलिए आपको मैं बाहर से इसका दृश्य दिखाता हूँ, और मैं ज़्यादा नज़दीक भी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दूर है यहाँ से, और मुझे हो रहा है लेट, तो मैं चलता हूँ वापस बाहरगंज। काफ़ी लेट हो चुका हूँ मैं, और बिल्कुल अंधेरा भी हो चुका है। जैसे तैसे मैं आके पहुँच गया हूँ बाहरगंज, ट्रैफिक जैम काफ़ी था, तो अभी मैं जाता हूँ होटल और अपना पैकिंग शैकिंग करके चेकआउट करता हूँ। तो लो जी, मैं चेकआउट कर चुका हूँ और स्टेशन के और चल दिया हूँ, लेकिन मेरा जो बैगेज है बहुत ही वजनदार है, उसको ढोने में तकलीफ होता है। जो भी हो, पहुंचना पड़ेगा जल्दी जल्दी। चलिए चलते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन।
कल रात में इतना थक गया था कि ट्रेन में चढ़ के साथ साथ ही सो गया, क्योंकि खाने का तो कोई सीन था नहीं, खाना मिलता नहीं है ट्रेन में। और मैं जस्ट अभी जागा हूँ और देख रहा हूँ कहीं से एक कप चाय मुझे मिल जाए। इस बार भी मैं थर्ड एसी में ही ट्रेवल कर रहा हूँ। आपको नज़ारा देख के समझ में आ गया होगा कि हम कलकत्ता ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। सियालदह स्टेशन पहुँचने के बाद में मैं लोकल ट्रेन में घर के लिए चल दूँगा। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगा किसी और शहर में। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।